यार माइक्रोसॉफ्ट से लेके स्टार्टअप तक, ओपन सोर्स तक, हर जगह कई सारे बिल्ड देखे हैं, बिल्ड किए हैं, बिल्ड बनाए हैं। तो एक दिन जब मैंने वो वीडियो बनाया कि रिएक्ट जेएस डेवलपर का लाइफ कैसा होता है, तो कई लोगों ने कमेंट किया कि भैया बिल्ड फटना क्या होता है, ये बिल्ड होता क्या है। तो आओ तुम्हें बताऊं बिल्ड क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रंट एंड बिल्ड के बारे में, फ्रंट एंड एप्स का बिल्ड क्या होता है। लेकिन बिल्ड समझने के लिए जरूरी है टिफिन सर्विस समझना। टिफिन सर्विस का भी देखिए आपने, टिफिन सर्विस के लिए क्या होता है, एक दो चार हेल्पर होते हैं और एक मैडम होती हैं, उनके पास एक रेसिपी होती है। हमारी एक आंटी थी, टिफिन सर्विस चलाया करती थी। तो क्या होता था, सुबह उठ के लग जाती थी और उनके पास क्लियर था कि यार पूड़ी बनाना है, खीर बनानी है, सब्जी बनानी है और अचार भी देना है साथ साथ। तो अचार पहले से बना के रखते थे और सुबह उठे तो एक हेल्पर आटा गूंथना लगा, दूसरा हेल्पर सब्जी काटने लगा, तब तक दूध चढ़ाया गया, सब्जी चढ़ाई गई, तो पैरेलल में प्रोसेसेस चल रहे हैं, एक एक चीज़ बन रही है। और जब सब कुछ बन गया तो उसके बाद सारे टिफ़िन ऐसे खोल कर रख देते थे और फिर हर टिफ़िन में दो दो पूड़ी, दो थोड़ी सब्जी, थोड़ा खीर, थोड़ा अचार डाला जाता, उसको पैक करके फिर पार्सल किया जाता था। बिल्ड कहाँ आया आप ये सोच रहे होंगे, बिल्ड आएगा। तो एक दिन क्या हुआ, आंटी के पास एक बग रिपोर्ट आया। तो बग रिपोर्ट मतलब काफ़ी लोगों ने कहा कि आंटी जो आपकी सब्जी बनी थी ना आज मज़ेदार नहीं बनी, मज़ा नहीं आया, थोड़ी फीकी फीकी लग रही थी। तो आंटी ने बोला ठीक है। आंटी ने क्या किया, अपनी रेसिपी को अपडेट किया और अगले दिन जब सब्जी बनाने गई तो उस रेसिपी को फॉलो करवाया अपने और अपने हेल्पर से कि इसको इस तरह से बनाते हैं। फिर सब कुछ पैक हुआ, सब कुछ वापस गया। अगले दिन जब लोगों ने खाना खाया, उनको खाना अच्छा लगा। फिर कुछ दिन बाद आंटी को एक फीचर रिक्वेस्ट मिला। फीचर रिक्वेस्ट क्या होता है, किसी ने कहा कि आंटी थोड़ा सैलड भी होता ना टिफिन में तो बहुत बढ़िया रहता। आंटी ने कहा ठीक है, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए उन्होंने मंगवाए, उसकी रेसिपी बनाई और फिर अगले दिन से सैलड भी पैक होकर हर टिफिन में जाने लगा, लोग ज्यादा खुश हुए। तो जैसे आंटी टिफिन सर्विस चला रही हैं, वैसे ही कंपनीज भी सॉफ्टवेयर बिजनेस चलाती हैं। उनके पास भी बग्स आते हैं और उनके पास भी फीचर रिक्वेस्ट आते हैं। जब बग्स आते हैं या फीचर रिक्वेस्ट आते हैं तो रेसिपी की जगह सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करती हैं, कोड अपडेट करती हैं। लेकिन ये जो पूरी टिफिन सर्विस है जिसमें कोड को चलाया जाता है, उसको पैकेज किया जाता है, उसको एग्जीक्यूटिवल बनाया जाता है, उसी को हम बिल्ड प्रोसेस कहते हैं। हम इसके बारे में डीप में भी समझेंगे, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे अगर आपसे किसी ने सॉफ्टवेयर मांगा तो आप उसको सोर्स कोड लिख के नहीं दे सकते, ये लो कोड, तुम्हारे पास भी कंप्यूटर है चला लो। ये वैसा ही होगा कि आंटी से किसी ने टिफिन मांगा तो आंटी ने कहा कि रुको रुको, ये लो मेरी रेसिपी, ये इतना आटा लगेगा, इतना चावल लगेगा, इतनी दूध लगेगा, इतनी सब्जी लगेगी, खुद से बना लो। तो जैसे आप खुद से बना कर खाना नहीं खाना चाहते क्योंकि आपको और काम करने हैं, उसी तरह आप खुद से सॉफ्टवेयर भी बिल्ड नहीं करना चाहते। ये काफी रिसेंट फिनोमेना है, जब पहले हैकर्स और कोडर्स ही ज्यादा लोग सॉफ्टवेयर यूज करते थे तो हर कोई अपना सॉफ्टवेयर खुद बिल्ड करता था। पर अब जब सब कोई, हर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, एवरीवन इज यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, तो अब किसी को बिल्ड करने की इच्छा नहीं होती। तो ये जो पूरा बिल्ड का प्रोसेस है इसमें एक एक स्टेप होते हैं। तो क्या क्या स्टेप होते हैं, जैसे कि आंटी जब खाना बना रही होती हैं तो खाना बनाने के पहले वो देखती हैं कि कहीं दूध फट तो नहीं गया, तभी दूध को चढ़ाया जाता है, दूध को चढ़ाकर देखते हैं अच्छा सही है कि नहीं। खाना बनाने के बाद भी ये देखा जाता है कि कहीं तेल ज्यादा तो नहीं रह गया, कहीं सब्जी में तीखा ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं चीनी तो कम नहीं रह गई खीर में। बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बाद उसकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के बाद उसकी डिलीवरी होती है। सेम टू सेम एक ऐप में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है ऐप में, ऐप में पहले टेस्ट किया जाता है कि क्या हमारा कोड सही से रन कर रहा है, कहीं कुछ फट तो नहीं गया। ऐसा तो नहीं कि हमने ये फीचर बनाया या बग रिजॉल्व किया उसके कहीं और फट गए कुछ। कैसे टेस्ट करते हैं, जैसे ही कोड को डिप्लॉय किया जाता है ऑटोमेटेड टेस्ट रन होते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि क्या कोड की क्वालिटी सही है, ऐसा तो नहीं कि जो नया कोड लिखा गया है वो कोड घटिया हो गया है, तो उसके लिए लिंटर्स और बाकी रूल्स रन किए जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि ठीक है अब तो ये बढ़िया लग रहा है, सब कुछ तो अच्छा बन गया है, कोई टेस्ट भी नहीं फटा है, बढ़िया चल रहा है, अब इसको पैकेज करना है। तो फिर उस कोड को कंप्रेस किया जाता है, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाया जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय कैसे किया जाता है, जैसे टिफिन डाला जाता है ना, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के केस में जावास्क्रिप्ट को ही मिनिफाई कर दिया जाता है, अनसेंट पीसेस हटा दिए जाते हैं। और डिप्लॉय कहाँ करते हैं, डिप्लॉय करते हैं उसको CDN पे। CDN क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। बहुत सारे सर्वर्स होते हैं दुनिया भर में और उन सर्वर्स पे उनको रख दिया जाता है ताकि जब आप मांगो https://invac.com तो आपको आपके बगल वाले सर्वर से जो आपके बहुत पास हो वहां से दिया जाए। क्यों दिया जाए पास से, ताकि आपका जो खाना है, जो टिफिन है, जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो जल्दी आप तक पहुंच सके। तो ये है पूरी की पूरी बिल्ड सर्विस। अब आपको कंसेप्चुअली तो समझ में आ गया कि बिल्ड क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा कोड भी दिखा देता हूँ
ताकि आप उसको विजुअलाइज कर पाओ कि ये सेम चीजें कोड में कैसे लिखी जाती हैं। बहुत सारे टूल्स हैं बिल्ड रन करने के लिए आज के टाइम पर हम लोग GitHub Actions देखते हैं। GitHub Actions में YAML, YAML, इसमें कोड लिखा जाता है। ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या करता है, देखो इसने लिखा है, पहले ऊपर से देखते हैं, ऑन पुश ब्रांचेज मेन। तो इसका मतलब हुआ कि जब मेन पे कोई कोड पुश किया जाए तो बिल्ड को रन करना है। बहुत अच्छी बात है, बिल्ड को रन करेंगे। क्या रन करेंगे? बिल्ड्स एंड डिप्लॉय रन्स ऑन उबुंटू लेटेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो लेटेस्ट उबुंटू का वर्जन है GitHub के पास, उस पे इसको रन किया जाए। क्या क्या रन करना है? तो सबसे पहला स्टेप है कि चेकआउट करो कोड को, कोड को देख लो कि भैया ये कोड मेरे पास आ गया है। उसके बाद उस पे npm इंस्टॉल चलाओ। npm इंस्टॉल क्यों चलाओगे? पहले भैया जो आपको खाना बनाना है उसके लिए आपको कढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी, कढ़ाई चढ़ा के उस पे जो सामान डालना है वो डालना पड़ेगा, तब तो रेसिपी शुरू होगी। तो पहले गैस ऑन होगा, कढ़ाई चढ़ेगी, तो npm इंस्टॉल कढ़ाई चढ़ाने जैसा ही है कि भैया मुझे जो जो पैकेजेस चाहिए इस कोड को रन करने के लिए, जो मैंने अपने लोकल पे रन किया था, अब इसको मुझे सर्वर पे रन करना है, तो वो पैकेजेस वहां भी चाहिए होंगे, तो वहां पर आपको npm इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप पहले npm इंस्टॉल करते हो, फिर npm रन बिल्ड करते हो। मैं npm रन बिल्ड में क्या होता है वो भी आपको 2 मिनट में समझाऊंगा। जब वो बिल्ड हो जाता है तो पैकेज बिल्ड हो गया है, बहुत बढ़िया। उस पर आप टेस्ट रन करते हैं, तो कई बार टेस्ट फेल होते हैं, कई बार बिल्ड फेल होते हैं। अगर टेस्ट फेल हो गए तो फिर आप बोलोगे आप बिल्ड को फेल कर दोगे, पूरा बिल्ड ही फेल हो जाएगा। और जैसे ही वो फेल होगा तो आपको दिख जाएगा कि यार आपने तो कुछ गड़बड़ कर दी है। तो टेस्ट रन होते हैं, जब टेस्ट रन हो जाता है उसके बाद एक कोड क्वालिटी चेक होता है कि भैया जो भी कोड है सही से है कि देखो इसमें जैसे इसमें लिंट रन हो रहा है, सिक्योरिटी स्कैन रन हो रहा है, ऑडिट रन हो रहा है, सोनार क्यूब रन हो रहा है। इस कोड क्वालिटी चेक के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, पूरा बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूं। आपको देखना है तो आप एक कमेंट करते जाना ताकि जल्दी बना लें। इनके भीतर क्या क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत मज़ा आता है। तो वो हो जाता है, उसके बाद इसको स्टेजिंग पे डिप्लॉय कर देते हैं। तो डिप्लॉय करने के लिए फिर हम npm रन डिप्लॉय स्टेजिंग रन करते हैं। इसके अंदर भी स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इसके अंदर के स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। देखो ये कोई महान ऐप का नहीं है, इससे बहुत ही ज़्यादा भयंकर और कॉम्प्लेक्स बिल्ड्स होते हैं। मैंने बस आपके लिए एक एग्जांपल बना दिया ताकि आप उसको देखकर विजुलाइज कर सको कि कितना आसान है, जितना आसान टिफिन बनाना है जैसा सुनना जैसा लग रहा था वैसा ही है। एक स्क्रिप्ट लिखा गया है, एक बिल्ड का स्क्रिप्ट लिखा गया कि ऐसे ऐसे रन करो, और उसमें बस इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये चीज़ कि कोडिंग जो है वो खाना बनाने जैसा ही है। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप कोडिंग करना भी सीख सकते हो। तो आज मैंने वो दोनों एग्जाम्पल आपके सामने ला दिए। अब आओ एक और देखते हैं जो हमने यहाँ पे देखा था ऊपर, npm रन डिप्लॉय स्टेजिंग। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक स्क्रिप्ट होती है, जो स्क्रिप्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिप्लॉय की स्क्रिप्ट देखिए, इसमें कुछ खास नहीं हो रहा है, इसमें बस ये कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जो पैकेज बनाया था उस पैकेज को हमें किसी सर्वर पे डिप्लॉय करना है। क्योंकि आप जब app.invac.com टाइप करते हो या invac.com टाइप करते हो तो वो ऐप जो है किसी सर्वर पे रहती है, हमारे केस में इनवैक के केस में अजोर पे रहती है, नेटलीफाई पे रहती है, वर्सल पे रहती है। तो जिस सर्वर पे वो ऐप रहती है वहां पर आपको अपना सोर्स कोड तो पहुंचाना पड़ता है। हर बार जब आप नया डिप्लॉय करते हो, नया टिफिन आपको वहां रखना होता है कि भाई यहां से ले जाओ, टिफिन बॉक्स आ गया आपका। तो वो जो पीस है वो ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बोलता है कि एक rsync कमांड होता है जिससे आप डिप्लॉय कर सकते हो, तो आप फाइल भेज सकते हो, उस फाइल उसके थ्रू ये सारे फाइल सर्वर पे रख दे रहा है। और उसको यूज करने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए होती हैं, कौन सा सर्वर है, कौन सा पोर्ट है, SSH कर रहा है, कहाँ पर डालना है, किस डायरेक्टरी में, किस फोल्डर में डालना है। तो बस वही पीसेस है, देखो आप यहाँ पे सर्वर होस्ट है, सर्वर पोर्ट है, रिमोट डायरेक्टरी है, बस और कुछ खास नहीं, और एनवायरमेंट का नाम रहता है। और उसके बाद ये जो कर रहा है वो बस डिप्लॉयमेंट है कि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो कि इस रिमोट डायरेक्टरी पे ये चीजें कर दो। और जब आप इसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करो तो कुछ कमांड्स भी रन कर दो। यहाँ पर आप देखो npm इंस्टॉल प्रोडक्शन है। npm इंस्टॉल प्रोडक्शन क्या कर रहा है, जो भी पैकेजेस आपको इसको प्रोडक्शन में रन करने के लिए चाहिए वो पैकेजेस वहां पे इंस्टॉल कर रहा है। क्योंकि वो भी एक एग्जीक्यूटेबल एनवायरमेंट है, वहां पर भी सेम है, जैसे आपका लैपटॉप है वैसे ही एक बिल्ड सर्वर होता है, वैसे ही एक स्टेजिंग सर्वर होता है। हर तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों बस एक कंप्यूटर है। और हर कंप्यूटर पे यहां पर आप इंस्टॉल करते हो अपने डेवलपमेंट के लिए, यहां पर आप इंस्टॉल करते हो बिल्ड के लिए, और यहां पर आप इंस्टॉल करते हो प्रोडक्शन के लिए, तीन जगहों पर। तो यहां पर फिर इंस्टॉल करते हैं, और इस बार उसको हम चलाते हैं pm2 से। तो यहां पर आप देख रहे हो pm2 स्टार्ट है। pm2 एक पैकेज होता है जिससे आप नोड एप्स को
रन कर सकते हो सर्वर पे और वो खूब अच्छे से रन होता रहता है। अगर बंद हो जाता है ऐप तो खुद ब खुद रिस्टार्ट भी कर देता है, लॉग्स भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। पीएम टू पर भी हम एक पूरा वीडियो बना सकते हैं कि प्रोडक्शन में कैसे नोड जेएस डिप्लॉय किया जाए। अगर आपको वो वीडियो जानने का मन है और सुनने का मन है, क्योंकि यार ऐसा तो बहुत सारा नॉलेज है, तो आपको जो जो वीडियोस चाहिए आप कमेंट में जरूर बता देना मुझे, मैं सब वीडियो बना दूंगा एक एक करके। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आजकल ये पढ़ाने में आप लोगों को। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्ट्रीम को क्लोज कर देते हैं। हम बोलते हैं बहुत बढ़िया बात है, चलो हो गया सब कुछ, यहाँ देखो एक प्राइवेट की भी देते हैं। प्राइवेट की तो देना जरूरी है, नहीं तो हम सर्वर को पोर्ट कैसे खोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे कि सर्वर खोलो, ये मैं हूं जिसको तुम जानते हो, नहीं तो कोई भी वहां पर कुछ भी फाइल रख के चला जाएगा ना। तो सिक्योरिटी भी जरूरी है, तो ये पूरा का पूरा काम ये स्क्रिप्ट कर रहा है ऊपर से नीचे। चलो अब जल्दी से देख लेते हैं कि बिल्ड में क्या होता है। बिल्ड की भी छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, बिल्ड में भी कुछ खास नहीं होता है। बिल्ड में क्या है, एक रिएक्ट ऐप है ये जिसके हम बिल्ड कर रहे हैं, और वो टाइप स्क्रिप्ट पर है और रिएक्ट पर है। तो पहले हम टाइप स्क्रिप्ट को चलाकर रिएक्ट को बिल्ड करते हैं, और जब वो बिल्ड हो जाता है तब आपको दिखता है console.log रिएक्ट ऐप बिल्ड सक्सेसफुली, बहुत बढ़िया रिएक्ट ऐप बिल्ड हो गया है। उसके बाद हमें छोटी छोटी चीजें चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि लोकल होस्ट अगर आपने कहीं दिया हुआ है तो उसको चेंज कर दो, उसको डिस्ट फोल्डर में बिल्ड कर दो। बस बहुत छोटी छोटी चीजें, उन चीजों को चेंज करके आप बोलते हो कि बढ़िया बिल्ड हमारी कंप्लीट हो गई है। और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं हुई है, हमने उसको डिस्ट डायरेक्टरी में रख भी दिया। जरूरी नहीं कि वो डिस्ट ही फोल्डर हो, फोल्डर कुछ भी हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फोल्डर डिसाइडेड होता है वहीं पर आप बिल्ड करके अपने ऐप को रखते हो, क्योंकि फिर इसको उठाया जाता है, इसके ऊपर टेस्ट और इसके ऊपर बाकी चीजें रन की जाती हैं। यार मुझे तो बहुत मजा आया ये समझाने में आप लोगों को। अगर आपको भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे डीप डाइव अच्छे अंडरस्टैंडिंग वाले वीडियोस मैं बहुत सारे लेकर आ रहा हूं, जो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा।